नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की खबर में, हूं आपके साथ शिवानी पांडे। एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है जहां एक युवक खुद को गोमती नगर का नया सीओ बताकर एक जालसाज एक महंगे होटल में ठहर गया। इसकी सूचना सीओ को मिली तो उनकी टीम ने होटल में छापेमारी की। पुलिस ने नकली सीओ के पास से कई दस्तावेज भी बरामद किए हैं। महंगे होटल में फ्री में रुकने के लिए लखीमपुर के योगेश शुक्ल ने रिसेप्शन पर पहले खुद ही फोन करके बताया कि गोमती नगर के सीओ अवनीश्वर चंद्र श्रीवास्तव का तबादला हो गया है, उनकी जगह हिमांशु शुक्ल नए सीओ होंगे। उनके ठहरने के लिए कमरे की व्यवस्था करनी है। शनिवार सुबह योगेश होटल पहुंचा और फर्जी पहचान पत्र दिखाते हुए कहा कि मेरे लिए कमरा बुक किया गया होगा। वो कमरे में चला गया। इस बीच किसी ने सीओ गोमती नगर को सूचना दे दी कि एक फर्जी सीओ होटल में ठहरा हुआ है, जिस पर विभूति खंड इंस्पेक्टर राजीव द्विवेदी के साथ टीम ने होटल से योगेश शुक्ल को गिरफ्तार किया। उसके पास से हिमांशु शुक्ल के नाम से सीओ गोमती नगर, एसएचओ सीओ लखनऊ सिटी, दो पैन कार्ड, एसएसपी के पदनाम वाली एक मुहर, कार पासपोर्ट, दो आधार कार्ड और दो ड्राइविंग लाइसेंस भी मिले हैं। तो अब देखना यह होगा कि पुलिस इस युवक पर क्या कार्रवाई करती है। इसी के साथ बने रहिए आज की खबर के साथ। नमस्कार।